दोस्तों नमस्कार, मैं चरणदास महंत आज आप लोगों को आरएसजे 24 के हेड ऑफिस प्लस होटल प्राइड 24 की जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों आइए चलते हैं हमारे होटल प्राइड 24 प्लस कंपनी के हेड ऑफिस, आईटी डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट सर्विस की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम होटल के मुआयना करते हैं प्लस कंपनी के हमारे सीएमडी मिस्टर राजीव शर्मा सर से पहले मुलाकात करते हैं। आइए दोस्तों मिलते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारे कंपनी का होटल प्राइड 24, आरएसजे 24 का होटल प्लस ऑफिस दोनों हैं। आइए अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है हमारी कंपनी का जो है होटल और ऑफिस दोनों एक साथ हैं, और साथ ही साथ जो है मैं आपको जो है हमारी कंपनी के एमडी से भी मुलाकात कराने वाला हूँ। कंपनी के सीएमडी राजीव शर्मा सर का ऑफिस है, हम विजिट कर रहे हैं आगे की ओर। मैगमी सर, चलिए चलते हैं हमारे कंपनी के सीएमडी मिस्टर राजीव शर्मा सर के पास में। हेलो सर, कैसे हैं आप सभी लोग? फर्स्ट क्लास सर। जी सर, और बाकी बताइए सर कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया सर, बैठे। जी बिल्कुल सर। और बताएं सर, कैसा रहा सफर आपका? बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। अच्छा सर, मेरा आपसे कुछ सवाल था कंपनी को लेकर के, और हमारे कुछ लीडर्स लोग भी सवाल करते हैं ये कंपनी जो है कब तक चलेगी करके, नॉर्मली सवाल है। बिल्कुल सर, ये सवाल जो है सभी लोगों का है लगभग। जी जी, और हर आदमी सोचता है कि कब तक चलेगी, क्या होगा। जी, तो देखिए कोई भी आदमी जब कोई बिजनेस खड़ा करता है तो उसको चलाने के लिए ही करता है, बंद करने के लिए नहीं करता, पहली चीज। जी सर, और हम लोगों ने जो बिजनेस खड़ा किया है, बिजनेस मॉडल जो बनाया है, ये कोई सिर्फ एड व्यू का बिजनेस नहीं है। मैं आपको सबसे पहले एक चीज कंफर्म कर देता हूँ, आपको भी और बाकी आपके सभी दर्शकों को भी, जी, कि हम लोगों ने जो सिस्टम बनाया है वो सिर्फ सिस्टम एड व्यू का सिस्टम नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है। और ये बिजनेस मॉडल टोटल जो है वो ई कॉमर्स और सोशल नेटवर्क का है। तो पूरा का पूरा आज के टाइम में जो पूरा वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन मतलब चीजें चेंज हो रही है, पहले बिजनेस करने के तरीके अलग थे, अभी बिजनेस करने के तरीके चेंज हो गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है उस चीज को देखते हुए आने वाला जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन का है। जी, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपको एड देखना है, क्लिक करना है और उससे पैसा बस होगा, वो ठीक है, काम है, काम दिया गया है आप लोगों को, लेकिन सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जी, तो मेन जो है उसके एम्स में और बहुत सारे बिजनेस जो है वो हम लोग पूरा सिस्टम जो है वो बना रहे हैं। जी, और काफी कुछ बन चुका है, इसीलिए आप लोगों को आज यहाँ पे बुलाया गया है, ताकि जो बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस मॉडल आप लोगों को पूरा क्लियर किया जाए। तो कल जो मीटिंग है उस मीटिंग के अंदर सारी चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से हमारा ई कॉमर्स और किस तरीके से हमारा सोशल नेटवर्क का जो बिजनेस है वो किस तरीके से रन होता है, किस तरीके से कंपनी प्रॉफिट कमाती है, किस तरीके से कंपनी प्रॉफिट शेयर करती है आप लोगों को। और जब वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आप खुद ये जवाब मार्केट में दे पाएंगे कि कंपनी कब तक चलेगी। तो चीजें जब क्लियर होती हैं तो ये क्वेश्चन नहीं आता है। जब चीजें क्लियर नहीं होती हैं तब कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन आती है कि यार पता नहीं कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या होगा। तो कल जो हमारी मीटिंग है इस मीटिंग के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा सर, एक छोटा सा और सवाल है मेरा कि काफी सारे लोग जो है जो न्यू लीडर आते हैं वो घबरा जाते हैं कि सर कंपनी जो है, कुछ लोग सवाल कर देते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत में गाइडलाइंस में ये वाला लिस्ट में नाम नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे सर वर्क? जी जी, ये सवाल भी रखते हैं कि सर बाकी कंपनियों में वहां पर जो है एक केवाईसी लिया जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, तो हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग टाइम पे लिया नहीं जाता है। जी, तो फिर सर हम कैसे बिलीव करें इस सिस्टम पे करके लोगों को सवाल आता है। देखिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो हम बात करते हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की, जी, तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग, एक डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि हमने एक प्लान बनाया है कि ये प्रोडक्ट है, ये मोबाइल है, जी, ये हमने प्रोडक्ट बना दिया है, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है 10,000 रुपए। जी सर, और मैंने आप एक एज अ लीडर मेरे साथ जुड़े हैं और मैं आपको बोलता हूँ कि आपने ये प्रोडक्ट क्या है, सेल करना है। जी सर, और जब आप ये प्रोडक्ट सेल करेंगे तो सेल करने के ऊपर ये प्रोडक्ट कंपनी को 5,000 रुपए का पड़ रहा है, जी, लेकिन इसकी कॉस्ट हमने रखी है 10,000 रुपए। जी, तो जो 5,000 का प्रॉफिट है, जी, उस प्रॉफिट को हम आप लोगों में शेयर करेंगे एमएलएम के माध्यम से, जी, चेन सिस्टम बना के या बाइनरी सिस्टम बना के या कुछ भी जो भी
जो भी सिस्टम होता है डायरेक्ट सेलिंग का वो बना करके हम लोग पैसा प्रॉफिट करते हैं, शेयरिंग करते हैं जी सर। लेकिन यहाँ पे आपको पहले दिन से कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, सबसे पहली बात। जब कोई सेल ही नहीं हो रही है तो फिर वो डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है जी? अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग की जी, तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब जब कुछ सेल हो रहा है जी सर। यहाँ पे तो हम आपको कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि ये कंपनी का प्रोडक्ट है इसको सेल करो जी, ठीक है। तो जब कुछ सेल नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट सेलिंग कहां से आई जी सर? तो पहली बात तो मैं बता दूं सभी लोगों को कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअली आते नहीं है। पहली बात तो जी, हम लोग आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग जी। तो एफिलिएट मार्केटिंग एक अलग चीज है, डायरेक्ट सेलिंग एक अलग चीज है। तो पहली चीज है हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है, हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स एक अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया जी, 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 तो डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। उसमें ई कॉमर्स आता है, उसमें आपका सोशल नेटवर्क आता है, उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशंस आते हैं, बहुत सारी चीजें, स्टार्टअप्स आते हैं। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, यानी कि डिजिटल इंडिया के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में पहली बात तो आती नहीं है। दूसरी चीज जो आपने पूछा, एक दूसरा केवाईसी को लेकर जी सर, कि बहुत सारी कंपनियों के अंदर केवाईसी ली जाती है जी, और हमारे यहाँ पे फिलहाल अभी नहीं ली जाती जी सर। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले चीज, जब चीजें चेंज हो जाती हैं तो क्या होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है जी, क्योंकि पीछे ऑलरेडी आपको पता होगा कि अभी कोई भी मोबाइल नंबर बिना किसी आधार कार्ड के नहीं चल रहा है। बिल्कुल सर, हर मोबाइल नंबर आपका लिंक है आधार कार्ड से जी सर। तो आज की डेट में केवाईसी के तौर पे आपका मोबाइल नंबर भी एक तरीके की केवाईसी है। अच्छा, तो आपका जो मोबाइल नंबर है वही एक ऑथेंटिकेशन है। बाकी इन फ्यूचर में जैसे जैसे अभी स्टार्टिंग थी तो स्टार्टिंग में हमने नहीं लिया है, लेकिन इन फ्यूचर में मे भी हो सकता है कि हम आपकी पूरी केवाईसी भी जरूर करवाएं एज पर गवर्नमेंट रूल। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है केवाईसी। चलिए ठीक है सर, सवाल जवाब तो होते रहेंगे। फिलहाल आप हमें थोड़ा कंपनी का होटल जो है और ऑफिस थोड़ा विजिट करा के मुआयना करा दीजिए, ताकि हम अपने जो भी लीडर्स हैं उनकी जो है मन को संतुष्टि पहुंचा सकें। तो अब आपको थोड़ा सा ऑफिस विजिट करवाते हैं और किस किस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस चलता है वो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ओके सर, ये चल रहे हैं हम जो है अपने कंपनी के होटल की ओर। ये हमारे जैसे रूम्स हैं और ये हमारे कंपनी के आरिजो 24 का जो होटल प्राइड 24 है, होटल का एक रूम है इस तरीके से। हम जो है ऊपर की ओर जा रहे हैं और आगे चल रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारे जो है होटल प्राइड 24 का जो ये रूम्स है होटल का, बहुत ही शानदार जबरदस्त है। आगे चलते हैं, ऊपर की ओर चल रहे हैं हम लोग। ये हमारे आरिजो 24 में यहाँ पे हमारा पूरा प्रोडक्ट जो है वो डिस्पैच होता है। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे सारी आपका सिस्टम दिखा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट जहाँ से हमारे टीम में रिपर्चेस किया जाता है और उसके बाद में जो प्रोडक्ट पैकिंग की जाती है। जी सर, यहाँ से मतलब पैकिंग करके पार्सल भेजी जाती है। चलिए सर, ये आईटी डिपार्टमेंट, आईटी का काम होता है। ओके सर जी, ओके सर जी, ये नया सेक्शन अभी बन रहा है, यहाँ पे पूरा आईटी का ही काम चलेगा। जी सर, जी सर, तैयारी हो रही है। ओके सर जी, ओके सर, मीटिंग रूम। ओके सर जी, पूरी मीटिंग्स हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 40
60 लोगों का जी उसमें ट्रेनिंग होगा। अभी जो कल मीटिंग होगी वो कल मीटिंग भी यहीं पे होने वाली है, ये 22 मार्च का जो LDP होने वाला है। ओके सर, तो दोस्तों इसी तरीके से मैं RSU24 से रिलेटेड और भी बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट प्लस मोटिवेशनल वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप और आपकी टीम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें और आपकी इनकम बढ़े। थैंक यू दोस्तों।